नेक्स्ट वीडियो के साथ वापिस। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो को देखते अगर आपको मजा आता है तो भाई प्लीज यार लास्ट में लाइक कर देना। एंड अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती तो भाई प्लीज यार लाइक मत करना। एंड चलो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छी लगती है तो। चलिए वीडियो उनको तरीके साथ में आपको बताने जा रहा हूँ कि गाइस यार मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे तुरंत बुलाया भाई, पता नहीं क्यों यार भाई, मतलब तुरंत मैं इमीडिएटली जैसे ही कॉल आया उसने कहा भाई तुरंत मेरे पास आ, तुम्हें मुझसे बहुत जरूरी काम है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मेरे भाई इतना क्या जरूरी कौन सा काम हो गया भाई, वो जस्ट कद इमीडिएटली बुला लिया। तो चलो गाइस को दिखने चल कर देखते हैं यार। मेरे पास तो यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर है भाई साहब, आप सोच रहे हो भाई तुमसे कैसे बट गई यार। भाई ये तो मुझे नहीं पता चला आज तक भाई मुझसे कैसे कोई बट सकता है, वो भी इतनी कर रही है भाई। तो देख दिखाता हूँ आपको। चलो गाइस भरोसा करो मैं भी यहाँ पर आ चुका हूँ। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो हेलो पिंची पिंची कैसी हो? अरे मैं बढ़िया हूँ, मैं तुझे एक बहुत जरूरी सच बताने चाहती हूँ। क्या हुई? हाँ बताओ बताओ पिंची पिंची। अरे मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि यार तुम मुझसे मिलिए, बताना मुझे शक्ल ही मत दिखा देना। बाबू मेरे को माफ कर। क्या टिंची पुंची हो गया? अबे भिखारी है तू, भिखारी शक्ल देख ले अपनी पहले, गरीब कहीं के गजब बेइज्जती है। दो कोड़ी की बाइक से चलता, तेरे पास एक कार भी नहीं है, दो कोड़ी के इंसान है तू। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। भाई गुस्सा गया यार। अबे चल भिखारी, तुझे लगा कैसे कि मैं तुझे तुझे सेट करूंगी, निकल ले यहां से। गुस्सा गया भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं तो रुक रहा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम दंकेंगी। जवान भाई आप लोग देख पा रहे, मतलब भाई मेरे साथ गद्दारी हो चुकी है भाई। अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो भाई बंदो मैं भी आज कहूंगा अपने घर पे। एंड गाइस अब मैंने ठान लिया, कसम खा ली है कि अब मैं एक कार खरीदूंगा, क्योंकि गाइस यार आपको पता है मेरी सेटिंग ने ना मुझे कार के बदौलत छोड़ दिया भाई। मुझे तो पता है यार, उसने कहा था, उसने कहा तुम्हारे पास ये हीरो स्प्लेंडर है, तुम्हारे पास एक कार भी नहीं है। तो अब भाई अब देखो मैं रुपए लेकर जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, पूरे 5 लाख रुपए हैं भाई। 5 लाख रुपए में क्या क्या नहीं आ जाता भाई। चलो भाई एक कार लेने चलते हैं। Okay. और फिर मैं उस कुकरी को बता दूंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है मुझे छोड़कर। ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम दंगेंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। तो भसोरा करो गाइस, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप लोग दिन भर कार शोरूम पर, इतना बड़ा कार शोरूम है भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ ऐसे शोरूम। भाई यार भाई कितनी मस्त कार साइड में खड़ी है रेड कलर की। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं खरीद पाऊंगा, बहुत महंगी है कार शोरूम। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे मैम मुझे कार लेनी है, ये वाली कार लूंगा मैं, इधर आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कितनी मस्त मस्त कार है भाई, मैं तो यहाँ से खरीद के जाऊंगा। अच्छा। हाँ मैम मुझे ये वाली कार खरीदनी है, इसके प्राइस क्या है और नाम क्या है इस कार का? निकल ले यहाँ से, गजब बेइज्जती है। अभी मैं खरीदता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा तो तू ला दे ला, 85 लाख। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 85 लाख ये कितना होता है? 85 लाख होता है, 85 लाख। और नहीं निकले तो 1 लाख पड़ेगी तेरे। ओ भैया धोखा। अरे भाई इतनी महंगी कौन बेचता है भाई, 85 लाख रुपए की है भाई। मेरा तो इसमें घर चले जाएंगे पूरा। अरे घर छोड़ो, पूरा मोहल्ला चले जाएगा यार भाई, मैं किराए के घर पे रहता हूँ भाई। ऐसा क्या इनकारो में भाई, 85 लाख रुपए की ये कार है? भाई इतनी महंगी मैं नहीं खरीद पाऊंगा भाई। भाई मैं तो कोई 5-10 लाख रुपए की खरीदता भाई, 5 लाख डाउन पेमेंट कर देता, बाकी किस्तों में मार देता। शाबाश भाई, यहाँ पर 85 लाख किया गया। अगर भाई 5 लाख जमा भी कर दे तो ये भाई 80 लाख रुपए जमा करने हुए, मैं नहीं जाता। ऐसा मैं निकले तो भाई मेरी रोंडा भाई ये कितने की कार होगी? शोरूम एक दिन खरीदना है, आऊंगा मैं इन कुकरियों को पहले मारूंगा, बता रहा हूँ। गजब बेइज्जती की है,
5 years later. गाइस मैं भी आज कल यहाँ पर बूम बाम करने जाऊँ तो अब मैं आपको बताऊँ कि 5 सालों के बाद मैं इतना ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। गाइस लोगों को पूरे जीवन लग गया था इतना अमीर बनने में। एंड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना अमीर बना कैसे भाई इन 5 सालों में। भाई 5 साल लगाए मैंने अमीर बनने में। 5 सेकंड में आपको बता दूँ कैसे बना हुआ है। धर्म नहीं हरी की बिल्कुल भी। चलो गाइस इसमें आपकी भी गलती नहीं नहीं बताऊंगा। लड़कियां के रुको इसकी ऐसी इसको भाई मैं मारूंगा। ये वही है लगता है भाई अब 5 साल पहले मैं आया था गरीब बन के। कुकरी कार नहीं है शोरूम चाहिए। तू मुझे भूल गई क्या? मैं 5 साल पहले आया था बहुत गरीब बन के स्प्लेंडर से। ध्यान आया? अरे सर पता नहीं ऐसे कितने भिखारी आते रहते हैं डेली। ऐसे कैसे याद आएगा कौन सा भिखारी आप थे? क्या भैया इतनी भी गजब बेइज्जती मत करवाई। अभी भी गई जो थी सब गुस्सा के आपको मार दूंगा। मारूंगा मुझे कार नहीं शोरूम चाहिए। ये ले मार डालो कुकरी कहेंगे। अरे भाई साहब इतना पावर है ना मेरे पास। मतलब पैसा हो तो पावर बड़ी बड़ी बातें हैं। पैसा हो तो बड़ी बड़ी बातें भी हैं। पावर तो अनलिमिटेड कुछ भी कर डालो। पैसा दे के भाई कुछ भी कर दो भाई मुझे नहीं पता। तो चलो गाइस अभी मैं लगाने वाला हूँ शोरूम के ओनर के पास सीधा कॉल। जी हाँ दोस्तों मस्टैंग जीटी के पास कॉल लगाऊंगा। मतलब जिसका मस्टैंग जीटी शोरूम है। हेलो जी सर क्या हो गया? सर क्या हो गया? मैं इतने शोरूम पर हूँ तो फटाक से अपने शोरूम पर आ। मुझे ये तेरा शोरूम खरीदना है। और सर पर हुआ क्या है? मैं तो शोरूम पर आ रहा है कि नहीं मारूं अभी। आता हूं आता हूं। तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई जब मैं हड़का दिया शोरूम के ओनर को भी। भाई वैसा शोरूम तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे अरे जी सर क्या हो गया बताइए। सर क्या हो गया बताऊंगा। अबे मैं कह रहा हूँ मुझे तेरा शोरूम चाहिए। कितना प्राइस बोल प्राइस बोल। मैं तुझे दुगना पैसा दूंगा इस शोरूम से दुगना। बता मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने बहुत पैसा कमा लिया। अरे सर पर हुआ क्या सर बता तो। अरे सर पर कुछ नहीं होता है। बता मुझे प्राइस बता इस शोरूम के। अरे सर वैसे तो 20 करोड़ का है। डबल की बात कर रहे हो तो 40 करोड़ दे दो। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? ए भाई कितना हराम खोर देखो डबल मांग रहा है। चल 30 करोड़ ले आटा। ओके ओके सर ये भी सौदा ठीक है। सर डील डन डील डन। चल ठीक है कल तक शोरूम खाली हो जाना चाहिए। मतलब शोरूम कारे तो खड़ी रहने देना और हाँ थोड़ी और कारे यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है ऑलराइट गाइस। अभी गाइस मैं आपको बताऊँ मैंने ये शोरूम खरीद लिया भाई आपकी आंखों के सामने से। कभी मैं दीदों के सामने से दीदा फाड़ के आपने देख लिया होगा। गाइस यार अब मैं आपको बताऊँ मैंने ये शोरूम क्यों खरीदा क्योंकि आपको पता नहीं है क्या भाई बेइज्जती हो गई थी मेरी बेइज्जती। ना गाइस आप लोग सोच रहे होंगे इस स्प्लेंडर वाला बंदा पूरा फोर्ड मस्टैंग का शोरूम खरीद लिया ये कैसे हुआ? यही तो सीक्रेट है। नेक्स्ट डे लेटर। हर महादेव दोस्तों गाइस मैं भी आपको बताऊं तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना पूरा शोरूम। गाइस यार मैंने आपको ओवर व्यू नहीं दिखा। मतलब भाई साहब यहां से मैं खड़े होकर आपको दिखाता हूं मेरा शोरूम कैसा दिखता है। एंड गाइस यार मैंने ना रोला के चक्कर में भाई साहब ऊपर देख सकते हो आप सारे शोरूम के ऊपर खड़ी करा दी है। भाई बहुत पैसा भाई बहुत पैसा कहां भाई साहब। मेरे पास 5 लाख रुपए थे तो मैं जीडी मस्टैंग खरीदने आया था और 3-3 ऊपर खड़ी कर दी। अब देख लो पैसा भाई पैसा तो बड़ी बड़ी बातें। वीडियो को लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार गाइस अभी मैं अपने शोरूम पर आ चुका हूं। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं। गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कितनी सारी कारें खड़ी हैं। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि ये बिकती नहीं है क्या? अरे भाई साहब लामे है भाई पीछे अगर दिखा दूं आपको डर जाओगे देखकर। एक बिकती यहां पर एक खड़ी हो जाती है। तो यहां पर आप लोग ये देख सकते हो चेक दिस आउट भाई। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि दो मस्टैंग जीटी के बीच में ये हीरो होंडा की खड़ी कर दी। हीरो होंडा है नहीं हीरो स्प्लेंडर है। गाइस मैं आपको बताऊं क्योंकि गाइस यार मैं गरीब था तो इसी बाइक से चलता था। इसको इंपोर्टेंट देने के लिए मैंने इसको बीच में खड़ा कर दिया। यस लेकिन एक सेकेंड गाइस ये कोई गरीब आ रहा है। अरे अरे सर यहाँ पर कितने की कार मिलती है? चल गरीब कह के तुझे कार नहीं तू तेरी शक्ल ही नहीं लगती तो तू कार ले ही नहीं पाएगा। निकल यहाँ से निकल पट पट पट। अरे पर सर मैं खरीद लूंगा मेरे पास रुपए हैं। अबे साल निकल गया बस तेरे को कार नहीं मिलेगी तू गरीब है भिखारी कह के चप्पल लेकर मारूंगा। अरे पर सर मेरे पास रुपए हैं। अरे सर देखा भाई कहते धुतकार देता हूँ गरीबों को कर देता हूँ मैं गरीबों के ऊपर थू करता मैं थू। गाइस अगर आप लोग गरीब हो तो अमीर बनो भाई। क्या मतलब गरीब ही नहीं हो। अरे सेट गाइस आप लोग सोच रहे होंगे अरे भाई तुमने यार गरीब को ऐसा क्यों कहा तुम भी तो गरीब थे। हाँ भाई अमीर गरीब से अमीर नहीं बना मैं और वो फुक्का भी गरीब है साला कुकुर। मैं मुझे कोई गरीब दिखता है मैं चप्पल निकाल लेता हूँ। अच्छा तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बॉय है मेरी रेटिंग। रुको इससे बात करता हूँ। हेलो अरे गोल्डी का चांदी का इधर देख। मेरी तुम आओगे मेरी तुम अमीर बन के आओगे मुझे पता था। तो रुको क्लाइ
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अबे चल, तूने मुझे गरीब में छोड़ दिया था, अब अमीर में फिर से तू मुझे लाइन मार रही है। तेरे चप्पल मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। अरे भैया, ओ भैया धोखा, इतना लंबा प्रैंक कौन करता है। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम अमीर बन जाओगी। लेकिन तुमने मुझे छोड़ा उसलिए अमीर थोड़ी ना बनाऊ। तुमने मुझे छोड़ा, मैं गाड़ी लेने गया था इसीलिए उन्होंने बेइज्जती कर दी मेरी, तब मैं अमीर बना हूँ। अब तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं है, निकल ले चल। अरे सुनो तो, तुम मैं ऐसे नहीं कर सकते हो, रुको। अबे चली जा, वरना मैं अभी चप्पल निकाल के जिड्डी में टैंक के अंदर से मारूंगा। तो चलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी फटाक से मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखते देखते मुस्कान भी आ गई हो तो प्लीज भाई उसका नंबर दे दो भाई, मुझे मुस्कान को भी पटाना है। क्या बात करता है यार, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, इस वीडियो के लिए दो शब्द तो लिख ही देना कमेंट में। एंड यहाँ तक वीडियो देखा है यानी कि वीडियो अच्छा लगा था भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। एंड हम आपके लिए खतरनाक वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।